Santosh Kumar Gangwarji, Honorable Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Sri Arjun Ram Megwalji. My warm welcome to Finance Secretary, Sri Ashok Lavasa, Secretary Revenue, Dr. Hasmukh Adia, Secretary Financial Services, Srimati Anjali Chibduggal, Secretary Deepam, Sri Neeraj Kumar Gupta, Secretary Economic Affairs and Corporate Affairs, Sri Tapan Ray, Chief Economic Advisor, Sri Arvind Subramanyam, Secretary Defence Production, Sri A.K. Gupta, Additional Secretary, Ministry of Defence, Sri Ravikant. Friends, after the Honourable Minister's opening remarks, the floor will be open for questions. We will try and accommodate as many questions as possible, but kindly follow the points of order. There are placards kept in front of you. Please raise them. I will call out the number. And a gentle request, as usual, please keep your mobiles on a silent or switch-off mode. Over to the Honourable Minister. ये पिछले तीन वर्षों में कुछ विशेष डिपार्टमेंट्स जिसका हम लोग जो मंच पर बैठे हैं जिनका संबंध रहा है उसके संबंध में ये एक ओवरव्यू है. मैं एक स्टेटमेंट पहले दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आई स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम और उसके बाद जिन जिन इश्यूज पे आपको पूछना है आप पूछ लीजिए. ये तीन वर्ष जो गए हैं ये आर्थिक मोर्चे पे विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए बहुत चुनौती वाले वर्ष थे. पूरे विश्व में इकोनॉमिक ग्रोथ का स्लोडाउन का दौर था और जब दुनिया में स्लोडाउन का दौर होता है तो स्वाभाविक है कि सब देशों पे उसका प्रभाव पड़ता है. ट्रेड भी श्रिंक हुआ विश्व भर में जिसका असर एक किसी भी अर्थव्यवस्था के एक्सपोर्ट्स पे पड़ता है. पूरे विश्व में जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उनमें प्रोटेक्शनिज्म की आवाज हुई और कई प्रकार के जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थी और इसके साथ साथ जो तीन वर्ष पहले जो अपने देश की स्थिति थी उसमें पॉलिसी रिफॉर्म्स स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें एक स्लोडाउन आया हुआ था. और जो संदर्भ हमारी इकोनॉमी का था पूरे विश्व भर में वो भी कमजोर था. इंडिया वॉज नो लॉन्गर ऑन द ग्लोबल रेडार. दो वर्ष पिछले तीन वर्षों में मानसून भी खराब था बरसात कम थी और जो व्यवस्था विरासत में मिली थी उसकी एक विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी कमजोर हो चुकी थी विशेष रूप से करप्शन और इनडिसिसिवनेस के कारण. इस पूरे विश्व के संदर्भ में और देश की इकोनॉमी के संदर्भ में अगर पिछले तीन वर्ष हम लोग देखते हैं तो जो इसमें कुछ विशेष फीचर्स थे कि इन तीन वर्षों में एक बार फिर अपने देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी दोबारा से रीस्टैब्लिश हुई है पूरी दुनिया में.
We have restored the credibility of the economy. और इसमें तीन चीजों ने विशेष रूप से अपना प्रभाव छोड़ा है. पहला है डिसाइसिवनेस, निर्णय लेने की क्षमता और कठिन निर्णय लेने की भी क्षमता. दूसरा है कि वो व्यवस्थाएं जिसकी वजह से करप्शन होती थी, भ्रष्टाचार होता था, उन व्यवस्थाओं को बदलना, उसमें विशेष रूप से गवर्नमेंटल डिस्क्रीशंस को जहां तक समाप्त किया जा सकता है समाप्त किया जाए आर्थिक विषयों में. और मार्केट मैकेनिज्म पे निर्भर किया जाए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी आई, विवाद भी समाप्त हुए और कहीं भी भ्रष्टाचार हो सकता है उसका स्कोप, उसकी संभावना भी अपने आप में समाप्त हुई. तीसरा एक स्वाभाविक क्षेत्र था कि जो डायरेक्शन था, दिशा थी डिसीजन मेकिंग की, वो एकदम स्पष्ट थी. ऐसी नीतियां ली जाए जिसमें अर्थव्यवस्था ग्रोथ बढ़ सके और उस बढ़ी हुई ग्रोथ का जो लाभ होता है उसे हम एक प्रकार से देश के जो कमजोर गरीब वर्ग हैं उन तक उनको ट्रांसलेट किया जा सके. मैं सारे जो इस दिशा में रिफॉर्म्स हुए वो नहीं गिनाता हूं, लेकिन जो जिनका एक प्रभाव हुआ पूरी अर्थव्यवस्था पे, एफडीआई रिफॉर्म्स, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ. दो वर्ष लगातार हम विश्व में सबसे बड़े, वी बिकेम द लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री. और उस परिस्थिति में जहां प्राइवेट स्पेंडिंग कमजोर थी, पब्लिक स्पेंडिंग के साथ साथ एफडीआई का एक बहुत बड़ा रोल इन्वेस्टमेंट साइकिल को बरकरार रखने में रहा. दूसरा एक बड़ा रिफॉर्म हुआ जिसका मैंने अभी जिक्र किया संकेत में, कि इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, विश्वसनीयता बनाने के लिए और देश की छवि कि यहां भ्रष्टाचार नहीं होता, उसमें ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग एंड इलिमिनेशन ऑफ ऑल डिस्क्रिशंस. हमने स्पेक्ट्रम में ट्राई किया, माइनिंग में ट्राई किया, कोल में ट्राई किया और जितने भी सरकारी लाभ लोगों तक पहुंच सकते थे, विशेष रूप से आर्थिक जगत और उद्योग में, उन सब को मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से, यानी कौन सक्सेसफुल पार्टी होगा वो भी मार्केट मैकेनिज्म तय करेगा, किस दाम पे होगा वो भी मार्केट मैकेनिज्म तय करेगा. राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, जिसमें 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को हमने लागू किया. आज राज्यों के हाथ में बहुत बड़े साधन हैं, 10% एकदम इंक्रीज हुआ. इस देश में पहली बार एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन में फेडरल टैक्सेशन जिसको कह सकते हैं, और एक फेडरल संस्था इंस्टीट्यूशन क्रिएट करके एक आम राय के साथ
कंसेंसस के साथ जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया हम लोगों ने काफी हद तक ले गए हैं आगे, अब वो अपने अंतिम चरण में है। जब ये लागू होगा तो बहुत बड़ा देश के अंदर एक आर्थिक टैक्सेशन के क्षेत्र का यह सुधार होगा। जो जैम ट्रिनिटी है, आधार का कानून पास करना और सरकारी लाभ किसको मिलेगा, यह प्रक्रिया कई क्षेत्रों में हम लोगों ने लागू कर दी, जिससे साधन भी बचे हैं। वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू इलिमिनेट द अनडिजर्विंग। सो लीकेजेस हैव बीन चेक्ड। डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से अर्थव्यवस्था की एक पहलू ऐसा था जिसमें सरकार ने एक नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल क्रिएट किया। और जो एक व्यवस्था थी कि बहुत बड़ी एक कैश इकोनॉमी जिसमें पैरेलल इकोनॉमी, शैडो इकोनॉमी चलती रहेगी बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, उस व्यवस्था को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और इसके तीन स्वाभाविक लाभ हुए हैं। There have been three distinct advantages. First, there is a greater movement towards digitization. Second, the taxpayer base itself has increased. And this is apparent further from the fact that year 16-17, the revenue increase itself, despite all other challenges to the economy, has been 18%. In the year 16-17. And thirdly, a message has gone home loud and clear, and it continues to go almost every day, that it's no longer safe to deal in cash. और इसी के साथ साथ जितने कदम उठाए हैं ऑपरेशन क्लीन मनी के लिए, all this is now establishing a new normal in India. Monetary Policy Committee ka gathan, insolvency or bankruptcy code, these are all transformational changes which have taken place in the economy. And there have been challenges also. And we are conscious of those challenges. Resolution of the banking NPAs is still work in progress. It's a major challenge because it also impacts on the capacity of the banking system to support growth. Linked to it is the challenge of wanting to increase private sector investment, even though our FDI and public investment has significantly increased. And of course, there is a significant impact of the global situation also. Whether the global trends are supportive or obstructive,
And these are challenges. And one effort which we have made, ek prayas jo hum logon ne kiya hai, ki jab hum logon ne pichle 3 baar aarambh kiye the, to economy ki kya paristhiti thi ki pehle varsh mein revenue increase kitna 7 first year 9.4% tha. सेकेंड ईयर में 17 था, तीसरे साल में 18 था. तो धीरे धीरे ये भी बढ़ा है. और एक प्रकार से ये कमजोर वर्ग तक इसके बेनिफिट्स ट्रांसफर हो पाए. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड्स, टॉयलेट्स, बैंक अकाउंट्स, direct benefit transfers, improvement in infrastructure creation, ये सारा एक प्रयास रहा है. मैं एक defense के संबंध में भी मैं केवल एक दो वाक्य बोल देता हूं कि कई बहुत पुराने इश्यूज पेंडिंग थे. वन रैंक वन पेंशन 2015-16 में उसको रिजॉल्व किया. डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक नई बनी और आज एक बहुत बड़ा एम्फोसिस है कि देश के भीतर भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड हो और एक बैलेंस पब्लिक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो डीपीएसयूज का मैन्युफैक्चरिंग है और प्राइवेट सेक्टर को इस क्षेत्र में लाना ताकि पूरा राष्ट्रीय साधन जो है नेशनल रिसोर्स जो है उसकी पूरी शक्ति अनलीश की जा सके. इसको बढ़ाने में जिसके लिए अभी स्ट्रैटेजिक पार्टनर पॉलिसी हम लोग लाए हैं डिफेंस में भी चुनौती पड़ोसी की भी है और इंसर्जेंसी की भी है और इसलिए उसकी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी ना रहे सरकार का एक प्रयास रहा है. मैं बाकी सरकारी डिपार्टमेंट्स के बारे में इतना डिटेल नहीं कर रहा और जो उन विभागों के मंत्री उनकी भी प्रेस स्टेटमेंट होगी. ये मुझे आरंभ में कुछ वाक्य कहने थे इसके बाद जो आपको इस पे पूछना होगा. एक मिनट. थैंक यू सर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रो. या डिमोनेटाइजेशन हैज बीन वेरी क्लियरली इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज क्लियर इन द जीडीपी नंबर्स व्हिच वर रिलीज्ड लास्ट इवनिंग एंड देयर इज आल्सो एन एक्सपेक्टेशन दैट अ सिमिलर इंपैक्ट कुड बी विजिबल वंस जीएसटी इज रोल्ड आउट. What are your comments, sir, and is there a preparedness or is there a measure that your department or your ministry is considering to try and revive growth in GDP, firstly to correct the impact of demonetization and secondly for a possible impact of GST once it kicks? Well, what you think is very clear is not very clear. So let's not put the question with an erroneous premise. There are several factors which can contribute to a GDP in a particular quarter. There was some slowdown visible given the global and the domestic situation even prior to the demonetization in the last year. There was impact of global factors. There could be some impact on one quarter or so, or two quarters of one particular factor which you've mentioned. There's also the impact of, if you look at the various sectors, the 9 to 10% growth which was normally in the services and in the financial sector
had come down. Therefore, the ability of the banks itself was a question. So these are cumulative factors which can play. But I do believe that in the current global situation, a 7 to 8% growth, which is at the moment the Indian normal, is a fairly reasonable, by global standards very good, by our own standards fairly reasonable level of growth. And I'm sure as the impact of all these policies holds out, this certainly will be beneficial. I see no reason why there would be any adverse impact of the GST. The GST by itself should normally add to growth. If I may say, just add to what the minister said on the erroneous premise. You see, the GST is, and Dr. Adia has said this before, that the incidence of the tax is going to come down. So it is like a tax cut, which will both reduce prices and increase consumption. So the analogy between demonetization and GST are, I think, completely off. We expect that there may be some teething implementation challenges of the GST, but the economic effect of a tax cut would be positive both to reduce inflation and to stimulate consumption. So that needs to be kept in mind. Yes, madam. So Supriya Srinath from ET now. Just when everybody thought that GST was a done deal, we have the West Bengal finance minister say it should be delayed and states should veto on that. So I just want to understand, is there any speculation or any thinking within the government to delay it? The GST decisions are all taken by consensus. And so far, we have succeeded in maintaining that consensus. I can only share with you that at the Srinagar meeting of the GST Council, ministers from almost every state who spoke to me were absolutely clear about maintaining the 1st July date. And we are in a state of preparedness for the 1st of July. There is also a lot of clamor on hybrid cars, and if should they be reviewed with your colleagues? I'll tell you, individual cases, you have a mechanism in the GST Council. The officials all meet, they discuss the existing rates, they try and fit in people as to the extent possible into the existing rates, and then the council takes up the matter for consideration and finally approves it. It's the council which takes the decision. Using media propaganda for getting the rates varied will not make any significant impact on the decisions of the council. सर, मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से. मेरा सवाल यह है कि पिछले 3 साल में सरकार ने विकास किया है, ये बात लोग मान रहे हैं, लेकिन इसे जॉबलेस ग्रोथ का नाम दिया जा रहा है, ये आरोप कितना सही है? देखिए, ये कई बार कुछ लोगों को प्रचार सामग्री भी चाहिए होती है. आरंभ में था कि इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स हैं, बिग बैंग रिफॉर्म्स नहीं है. जीएसटी के बाद और डीमोनेटाइजेशन के बाद जब उस तर्क में कोई दम नहीं बचा, तो मैं पिछले कुछ दिनों से ये देख रहा हूं कि जॉबलेस ग्रोथ है. अब जॉब्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बाहर क्रिएट नहीं होते. अगर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो स्वाभाविक है फॉर्मल सेक्टर में भी होंगे, और इस देश में तो इनफॉर्मल सेक्टर में और बहुत तेजी से होते हैं, क्योंकि किसी के पास उसका इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ का इतना डेटा ऑथेंटिक नहीं होता, तो इसलिए ये शब्दावली का प्रयोग आरंभ हो जाता है. मेरे दो सवाल हैं सर. एक सवाल तो ये है कि जो कर्ज माफी की बात हुई थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये ऐलान किया, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया, और अब महाराष्ट्र में भी आंदोलन इस पर शुरू हो गया है. और मेरा दूसरा सवाल है सर कि एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या स्थिति है? देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं
एक व्यवस्था है फाइनेंस कमीशन की जिसके तहत केंद्र राज्यों को डिवोल्यूशन देता है, उसके अतिरिक्त कोई लूज सरप्लस साधन केंद्र के पास नहीं होता जो किसी राज्य को दे पाए। जो राज्य इस प्रकार की नीति का अमल करना चाहते हैं उन्हें अपने साधनों में से करना पड़ेगा। जहां तक एयर इंडिया का प्रश्न है, कुछ दिन पहले मैंने इस पे ऑलरेडी टिप्पणी की थी और नीति आयोग ने अपना सुझाव सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को दिया है और अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो सारी संभावनाएं हैं कि किस प्रकार से उसके डाइवेस्टमेंट का प्रयास किया और या उसके प्राइवेटाइजेशन का प्रयास किया जा सकता है। नहीं, मुझे लगता है दिस सिविल एविएशन मिनिस्ट्री विल नाउ डिसाइड दैट मैकेनिज्म। जस्ट टू ऐड, आई थिंक मिनिस्टर सेड अबाउट द स्टेट्स दे हैव टू डू इट विद इन देयर ओन मींस व्हाट ही सेड। मिनिस्टर्स आल्सो सेड दैट दैट इज सब्जेक्ट टू the state-specific FRL limits. So they can spend what they want, subject to the FRL limits, as the minister has clarified earlier, which is about 3% of GDP. Yes, ma'am. Mr. Jaitley, please allow me to ask two unrelated questions. One is regarding a story that Times Now broke yesterday regarding Zakir Naik. Now we have got a reaction from Digvijay Singh, and he has said on camera that he did recommend Zakir Naik for visas to Home Ministry. Was it proper at a time when UK and Canada had already banned him? Well, I think a particular kind of politics was being supported at that time for vote bank reasons. Even if that politics was not necessarily in national interest, it's quite evident. Yes, sir. So, two related questions. One is what was the total currency that came back after the whole demonetization exercise, and also how much was declared under the PMGKY? Is there any number in both the cases? You see, as far as the total currency which is submitted, given to the banks, the RBI had from time to time during the demonetization process been giving a figure. But now that exercise is complete, the RBI as an important institution can't give approximations. Today, every currency note has to be counted. And if there is any counterfeit, that has to be eliminated and the real count has to come. You can't have an approximation. Now, it's so enormous and large that that's an exercise which the RBI is doing. And as soon as they complete it, they'll give the accurate figure. So that figure is only with the RBI. It's not with the government. Because the currency from the banks went to the government. Adisa, PMGKY. Most of the papers have carried some articles about it. The response has not been so good. It is about 5,000 crore of income which is declared under PMGKY. There were mainly two factors for it. One was that even before the scheme was announced, people had tried to sort of put their cash into different accounts and they tried to adjust their money. And the second was that the rate which we had fixed, 50% plus 25%, which was a deposit to be kept for a period of 4 years without any interest. So people found that particular thing, 75% money being blocked or going, 50% exactly in form of tax, see, and 25% tax. Must keep in mind that PMGKY in that financial year was not an isolated scheme. So you first had the IDS. After the IDS, you had people depositing their cash into the banking system, obviously knowing that they were going to incur a tax liability. And PMGKY was over and above that. Yes. When you look at the total amount of disclosures made, you'll have to look at all three of them collectively. Yes. Sir, I'm Ashutosh from BTVI. A merger of oil PSUs had been one of the major announcements of the government.
Where do we stand as far as that announcement is concerned, sir? And one small clarification on Air India. Will there be a need to tweak the FDI policy for further for this? On both your questions, my answer is the concerned ministries are seized of these matters. Now, any further movement in both these matters will be taken by the concerned departments. Yeah, 290. Sir, please, Jaitley, sir. Nimish from Hindustan Samachar News Agency. Sir, Operation Clean Money Phase 1 आपका complete हुआ, उसमें आप लोगों को बहुत सफलता मिली. Second phase आपने शुरू किया है, उसके figures क्या हैं? आप लोगों ने क्या कोई aim set किया है? और क्या आप एक बार repeat करेंगे operation? इसमें aim केवल एक है, quantums का कोई aim नहीं है. लेकिन जिन लोगों ने इस वक्त दो तीन exercises simultaneously चल रही हैं, पहली exercise ये है कि जिन लोगों ने डीमोनेटाइजेशन के दौरान कैश डिपॉजिट्स किए थे और उन कैश की मात्रा उनके इनकम प्रोफाइल के साथ मेल नहीं खाती, इट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज, सो टैक्स विभाग ने उन लोगों को उनसे डिटेल्स मांगे थे ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से. कुछ लोगों ने दिए हैं, उनको प्रोसेस किया जा रहा है. जिन्होंने नहीं दिए उनके खिलाफ जो उपयुक्त कार्रवाई है वो की जा रही है. इसके बाद जितनी भी अन्य कार्रवाइयां हो रही हैं जो आप पढ़ रहे हो, ये भी उस ऑफिशियल क्लीन मनी का कैंपेन तो यहां तक सीमित है, लेकिन देश में जो साधन है वो क्लीन हो लोगों के, उसके लिए और भी कार्रवाई हो रही है. ये जो आजकल बेनामी कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, आफ्टर ऑल उसका भी तो ऑब्जेक्ट यही है कि जितना क्लीन मनी के ऊपर एम्फेसिस लाया जा सके. सर, आई हैव टू क्वेश्चंस ऑन डिफेंस. वी हैव सीन द डीपीपी बीइंग क्लियर्ड, वी सॉ द एफडीआई पॉलिसी बीइंग ट्वीक्ड. सो फर्स्टली सर, एज फार एज द डिफेंस रिलेटेड प्रोक्योरमेंट इज कंसर्न, देयर आर सम मेजर प्रपोजल्स व्हिच आर स्टिल ऑन, यू नो, इन बीइंग प्रोसेस्ड. When do we see those defense procurement proposals like FICV or battlefield management systems, those get taken up? And secondly, sir, in the past 3 years, we have seen that while FDI policy was being liberalized, FDI inflows into the defense sector was very, very small. You see, I'll tell you, as far as the procurement proposals are concerned, there is, under the DPP, a particular mechanism by which decisions are being taken, and the manner in which the proposals have been cleared by the Defence Acquisition Council over the last 3 years is unprecedented when you compare it with the inaction during the previous 10 years. Now, as far as FDI is concerned, originally, it's been liberalized in phases, 26%, then 49%, then cutting-edge technologies, some changes being made. The FDI changes merely open the door. They are enabling. They themselves do not ensure that immediately the entry of participants will take place. And the reason is very simple, that there is only one purchaser within India, and that's the government of India. So unless the opening of the FDI is accompanied by some reasonable possibility of a possible investor getting orders, he's not going to set up an establishment. It is linked to the kind of orders he'll get. And the only entity which can place those orders is the government of India. There are no two procurers. There's only one procurer of defense equipment in the country. And that is why the strategic partner policy now has been brought in, because it is going to supplement the FDI policy. Whether the strategic partner comes through the FDI route or he comes with just a technology tie-up, that would be they would be free to do so. Sir, I have two questions. 1 minute. Please ask one question at a time. As you see, there are a lot of placards. You know, yeah. Maybe last two quick row there. Questions. Yeah.
Suppose the India's successful surgical strike, there is now new photographic evidence that there are more mujahideens, more militants waiting to cross over. What is India's strategy and how are you planning to deal with Pakistan on that particular front, especially in POK? Is there any other surgical strike plan? And the other part is about the India Today sting. I don't want to get into the details of what the strategic approach is, but I can only tell you that in the past few weeks, our armed forces, that's the Indian Army and the BSF, are dominating the line of control within qua the insurgents, irrespective of whether they are foreign insurgents or domestic terrorists. The security forces have been able to build up a lot of pressure on them, and the results, some of which are evident to you almost on a daily basis. Sir, on ban on Hurriyat, sir? One minute. We'll come back to you. Yeah. Yes, ma'am. Sir, this is Nainima from Hindu Business Line. You said there's challenges from neighborhood and insurgency. Keeping that in mind, can you give a brief on the 3 years of the Kashmir policy, and is there a chance of a dialogue with Pakistan in the next remaining 2 years? Well, the government of India has taken significant steps to ease the situation in the past. The fact that at the swearing in of the government, when the SAARC neighbors were invited, Pakistan Prime Minister was invited. The fact that our Prime Minister dropped in at Lahore at a social function in Prime Minister Nawaz Sharif's family were all steps intended to ease the tension. But each one of these has been responded by, let us say, a Pathankot or an Uri, or even the mutilation of two of our soldiers. And therefore, that environment which must exist for a talk has been successfully prevented by Pakistan. 194. Sir, Rajiv Ranjan, NDTV India. Mera sawal Jammu Kashmir ke halaat ko lekar hai. आज वहाँ आर्मी कमांडर आर्मी चीफ सेवन आर्मी कमांडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं. हाल के कई सालों में पहली बार है लगातार वहाँ मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, स्ट्राइक हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वीडियो आ रहे हैं. कैसे देखते हैं हालात को सर? देखिए, मैं चाहूँ वहाँ कि आप भी वहाँ एक बार जाकर देखिए फील्ड नंबर स्थिति. जो इम्प्रेशन मिलता है उसकी तुलना में काफी सामान्य है. हम लोग भी 3 दिन जीएसटी की मीटिंग में वहां रहकर आए हैं. दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों के अंदर स्थिति चुनौतीपूर्ण थी. उसके अलावा बाकी कश्मीर में श्रीनगर वगैरह बिल्कुल सामान्य थे. और आज जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, जो हमारी आर्मी और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग सीआरपीएफ और लोकल पुलिस, उनका डोमिनेशन टेररिस्ट की के ऊपर काफी हद तक इस वक्त बना हुआ है. सर, असीम मनचंदा फ्रॉम जी बिजनेस. सर, एनपीओ को लेकर के सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया था, रेजोल्यूशन कब तक शुरू होगा और टेलीकॉम कंपनियों की हालत इस वक्त खराब है, तो आप एनपीए को लेकर के सर, और टेलीकॉम कंपनियों पर सर क्या सरकार जो है दखल देगी टेलीकॉम कंपनियों का? ऐसा है कि एक पहले आरबीआई अपने जितनी भी नियम थे उनके तहत एक प्रयास कर रही थी. अब एक और कदम हम लोगों ने उठाया है और अगले कुछ दिनों में उसके संबंध में जो कार्रवाई होगी, ये जो हम बैंकिंग रेगुलेशन का जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उसके तहत, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक्टिव कार्रवाई उस मैकेनिज्म के तहत होगी. 249. Yeah, this is Parsa Venkatesh from APN News. This is again with regard to the NPAs. There was a report in 1999 RBI which said writing off the bad debt, insolvency is one of the ways of doing it. Is there any suggestion considered by the government to write off some of the NPAs, bad debts? You see, government doesn't write off. Let's be very clear. And in banking terminology, you see, when an account is not being serviced and it becomes non-performing,
then its column changes. That is normally referred to as writing off. But this writing off is different, is not rent mafi, as is normally in political journalism. The liability to pay still remains. It's just that you get shifted in a column. The government doesn't do all this thing. Once the resolution process is on banking consideration, what banks decide on their commercial prudence is within the domain and the rights of the banks itself. Sir, Vengatraman from Dinamara. Vanakkam. My question to Tamil Nadu. Sir, as long as Jayalalitha was in power as a chief minister, very rarely she comes to Delhi to get assistance from the center. After her death, now we can see every day ministers are coming from Tamil Nadu. There is a perception from people of Tamil Nadu, the state is ruled by center, not by the ADMK, it's ruled by the BJP. Would you like to react to this, one? Number two, your close friend, Mr. P. Chidambaram, have expressed that he's been targeted, Chidambaram, not by his son, Karthik Chidambaram. Would you like to react to that? You see, as far as Tamil Nadu is concerned, we don't even have a single MLA in the assembly. And therefore, you have an elected government. If ministers of the elected government come with regard to the work of the state, there is nothing unusual. Every state ministers come. State and center are supposed to have a relationship. Yesterday also some ministers of Tamil Nadu government met me and handed me a memorandum about some money under some central sector schemes which are due to the state of Tamil Nadu, and they want those monies to be released quite soon. They gave me a detailed memorandum which the finance secretary is examining. So there's nothing unusual about ministers of the state coming for these kind of purposes. All I can tell you is that as far as different agencies are concerned, whether it's the CBDT or any other agency, they act on a rational basis only when there is a case to investigate. Because after all, when they take up a matter, they also have a level of accountability. And in these matters, the accountability will eventually be before a court. Yeah, good afternoon, sir. This is Rajesh Roy from the Wall Street Journal. Wanted to ask about government's preparedness for rolling out GST from July 1. We get to hear from industries and businesses that it will be difficult for them to adapt to the new structure, at least for the first few months. We are passing through a phase where government in all these steps is normally ahead of the industry. So I'll expect through you, the industry also, or those sections which say they are not ready, to also fall in line, because we are quite clear about the date. And if may I ask you, US is close to withdrawing from the Paris Climate Accord. US is close to withdrawing from the Paris Climate Accord. What impact do we see? What likely is to be India's stand? I don't want to speculate. The concerned department will react once any such development takes place. Sapna, only one question at a time. So basically, just a quick one over here, you know, this proposal of possible change in the financial year has been doing the rounds for some time now. You've had one meeting with your officials. Is it under any kind of an active consideration, or probably down the line? And sir, just one small comment on telecom loans, sir, because there's a lot of the thing going on that possibly some new cabinet proposal may also turn up on that front, sir, to rectify the NPAs on that front. As far as your first question is concerned, governments discuss various things. We have the Shankaracharya committee. We have other reports earlier also on this subject. If we take a decision in the matter, we'll let you know. Sir, मैं आलोक प्रियदर्शी जी बिजनेस से हूँ सर. एंटरटेनमेंट और एम्यूजमेंट सेक्टर के लिए जीएसटी में जो दर तय की गई है, उसके बाद भी लोकल बॉडी टैक्स को कहा गया है कि लोकल बॉडी अपना टैक्स लगा सकते हैं सर, तो जो रेट है उसको लेकर, रेट को लेकर थोड़ा विरोध भी हो रहा है, और साथ ही साथ जो क्या लोकल बॉडी टैक्स पे कोई कैप लगाने का भी प्रपोजल है? पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हम सबको भी और मीडिया को भी ये जो हमारे तंत्र का प्रयोग होता है इस प्रकार के प्रेशर्स डालने के लिए, आज भी ऐसे राज्य हैं इस देश में एंटरटेनमेंट टैक्स में जहां 100% तक एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है. तो जब 28% की कैप लगाई है और उस 28 में से भी इनपुट क्रेडिट निकलेगा, तो इसलिए जब भी कोई अपनी दुख भरी कहानी टैक्स को लेकर आपके पास आए, तो मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लीजिए. सर, संजय शर्मा सर, इंडिया न्यूज से. सर,
सर दो बड़े राजनेताओं पर पिछले कुछ दिनों छापेमारी हुई है, लालू जी और चिदंबरम जी के यहाँ, और दोनों का एक ही जवाब है कि हमको डराने के लिए छापेमारी की गई, हम इससे डरने वाले नहीं है, राजनीतिक साजिश है हमारे खिलाफ। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं किसी केस की डिटेल में नहीं जाता हूँ, इंडिविजुअल केसेस में, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो भी एविडेंस किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास आती है और वो उस पर कार्रवाई करती है तो वो सारी की सारी कार्रवाई उसको अदालत के सामने देनी पड़ती है, और इसलिए ये किसी तथ्य के आधार पर हुआ है या राजनीति के आधार पर हुआ है, ये न्यायपालिका का फैसला इसका करेगी। इसका कोई फैसला मीडिया में या पार्लियामेंट में तो होगा नहीं। एवरी इन्वेस्टिगेशन हैज टू कल्मिनेट इवेंचुअली इन टू अ केस एंड दैट केस विल बी डिसाइडेड बाय अ कोर्ट। ब्रीफली ऐसे मासिफ एडिटर इन दिनों उर्दू डेली, हमारा सवाल आपसे है कि जो आपका मुद्रा लोन है स्टार्टअप लोन है, तो जब एनपीए इतने ज़्यादा हो रहा है तो मुद्रा लोन और स्टार्टअप लोन में बढ़ोतरी हुई है या कुछ कमी हुई है? बिल्कुल बढ़ोतरी हो रही है, और जितने छोटे लोग हैं जो पैसा ले रहे हैं बैंक से उसमें कोई एनपीए नहीं है, सब लौटा देते हैं। ये जो एनपीएस हैं ये केवल 40-50 बड़े लोग हैं, तो इसलिए मुद्रा में पिछले साल अगर 1,80,000 करोड़ गया तो इस साल शायद 2,44,000 करोड़ जाने वाला है। Sir, on the issue of beef controversy, three chief ministers have said that the notification infringes upon the state's rights and is legally untenable. How would you respond to those? Let me be very clear. It's not a subject which directly comes under me, but I can tell you. Every state has its own legislation or no legislation. You have a provision in the Constitution, Article 48, Directive Principles, which said that a certain category of animals have to be protected. You have during the 1950s, during Pandit Nehru's era, state after state framing a legislation. Now there are two categories of states, some which have prohibited slaughter, some which have not. Those laws are continuing. This clarification which has come has nothing to do with the state legislations. This is only which is the place of sale. Within the market, can only farmers sell? Or can you go and buy only outside the market? Is this farmers market meant for those involved in the slaughter trade or not? This is the only effect of the notification. This has nothing to do with the whether you can slaughter or not slaughter. That's the state legislations which apply. Sir, आपकी सरकार का नया नारा है साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है, लेकिन विपक्ष इसको नहीं मानता है और इसलिए महागठबंधन बना रहा है, और आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती, आपने कई चुनौतियों का जिक्र किया, प्रश्न अधूरा है, कई आपने कहा कि उनके आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी महागठबंधन बनाकर राष्ट्रपति चुनाव में वो अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहेंगे, क्या सरकार उनके साथ सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेगी या एनडीए का उम्मीदवार होगा? देखिए, निश्चित रूप से किसी ना किसी स्टेज पर जब हम लोग तय करेंगे तो विपक्ष से चर्चा करने की एक प्रक्रिया रहती है, वो जो चलेगी। Thank you. Yes. Sir, Shrivat from. Okay. Sir, मेरा नाम मनीष है News 24 से। Sir, मेरा नाम मनीष है News 24 से। Sir, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बाद एक भाषण में अहम कहा था कि हार्डवर्क जो है वो हार्वर्ड पर भारी पड़ा, लेकिन सर कल जो नतीजे आए हैं जीडीपी के चौथी तिमाही के, उसमें सर कंस्ट्रक्शन नेगेटिव जोन में चला गया। चिदंबरम आज कह रहे हैं ट्वीट करके कि ये डिजास्ट्रस है सर। देखिए, मैंने पहले भी उत्तर में कह दिया कि क्या क्या कारण होते हैं इसके, इसका केवल एक कारण है ऐसा नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द डिग्निटरीज ऑन द डायस, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज जॉइन अस फॉर लंच ऑन द फोर्थ फ्लोर।